सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दिस इज रितु कक्कड़, नर्सिंग ऑफिसर एट केजीएमसी। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग काफी टाइम से कमेंट सेक्शन में काफी टाइम से आप लोग पूछ रहे हैं कि मैम केजीएमयू की नर्सिंग ऑफिसर का सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन उस चीज से रिलेटेड है। आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट केजीएमयू को आएगा भी या नहीं, या फिर यहीं तक हो गया है सबका मतलब जॉब वाला सीन। तो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, देयर इज अ वेरी गुड न्यूज कि केजीएमयू ने अपना सेकंड लिस्ट निकाल दिया। जी हाँ, कल नोटिस आया था और उन्होंने अपना वेबसाइट पे लिंक आ गया है, आप लोग वहां से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कि केजीएमयू का सेकेंड राउंड का लिस्ट आ चुका है फॉर नर्सिंग ऑफिसर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनका लिस्ट में नाम आया है, और उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां। ये सारी ये चीज बहुत मतलब आप लोग कब से इंतजार कर रहे हो गए ना कि हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, कितना स्ट्रेस रहता है जॉब नहीं लगती तब, बट स्टिल यू गॉट द चांस, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। आपकी मतलब आपकी किस आपकी डेस्टिनी में था केजीएमयू में आपका आना, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। एंड गाइज, आप फटाफट से अपना जो लिंक है वहां पे देखिए, केजीएमयू का साइट पे है, वहां से आप अपना लिस्ट डाउनलोड कीजिए और प्लीज अपना नाम देखिए कि आपका नाम है या नहीं है। एंड प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कि आपका नाम आया है, ठीक है। और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जितने जितनी सीट्स थी उनमें से 196 कैंडिडेट्स की सीट्स को कैंसिल कर दिया है, जिनको पहले सीट अलॉटमेंट हो गया था, ठीक है, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि एक टाइम पीरियड रहता है, वो लोग टाइम पीरियड देते हैं कि आप लोग इस टाइम पीरियड में ज्वाइन करें, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो अब उनके जो सीट्स है उनको कैंसिल कर दिया गया है, और जो लोग आगे के कैंडिडेट्स थे लास्ट अलॉटमेंट तक, जो उसके बाद के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना डीबी करवाया था जनवरी में जब डीबी हुआ था, तो नाउ अब उनका नंबर आ चुका है, सेकेंड लिस्ट निकल चुकी है। सेकेंड लिस्ट में 135 कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया है फॉर जॉब सीट अलॉटमेंट। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये चीज का जो खुशी रहता है, मतलब कितने लोग खुश होंगे आपका एक जॉब से, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली की गवर्नमेंट जॉब पाना है, इट्स नॉट अ इजी टास्क, और आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स एंड देयर फैमिलीज टू, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही कितनी चीजें मैटर करती है ना, एक मेंटल सपोर्ट होना, फैमिली सपोर्ट होना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप लोग एग्जाम के टाइम पर तैयारी करते हैं। तो ये चीजें फैमिली भी मेंटेन रखते हैं कि मतलब जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो वो परेशान ना हो किसी चीज से, अगर कोई एग्जाम नहीं निकला तो आप डिमोटिवेट फील ना करें, तो घर वाले काफी सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयां। एंड गाइस, अब मैंने आपको बता दिया है कि सीट अलॉटमेंट आ गई, 135 कैंडिडेट्स का सीट अलॉटमेंट हुआ है, जिसमें आपको जनरल कैंडिडेट्स को मिला है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का सीट अलॉटमेंट हुआ है। प्लीज आप एक बार वो लिस्ट देख लेना केजीएमयू की साइट पे जाके, एंड दो तीन लिंक और भी है उसमें आप देखेंगे तो इन लोगों का भी नाम आया है सेकंड लिस्ट में। तो वो सारे कैंडिडेट्स जुलाई 27, 2024 तक अपना ज्वाइनिंग कर ले, तो आप लोगों को केजीएमयू आना पड़ेगा। उन लोगों ने आपको पर्सनली ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजा है, तो आप जब आएंगे यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग के लिए तब ये लोग आपको हार्ड कॉपी में आपका ज्वाइनिंग लेटर तभी देंगे। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सब लोग जितने भी कैंडिडेट से जो भी वेरीफाई हो गया था उनका डीबी, जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ था, तो उनको सॉफ्ट कॉपी में अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया था, बट नाउ दिस टाइम उन्होंने ये किया है कि जो भी लोग 135 लोगों में से जो भी ज्वाइनिंग के लिए आएगा आपको वही इन पर्सनल आपको हार्ड कॉपी में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। बट इस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उन्होंने एक और पीडीएफ का लिंक दिया जिसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि जब आप ज्वाइनिंग के लिए आएंगे तो कुछ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, प्लीज आप उनको पढ़ लेना। एक और लिंक दे रखा है, उसमें आपको 6 इंक्लोजर दे रखे हैं, तो उस इंक्लोजर्स जब आप ज्वाइनिंग के लिए आएंगे तो वो इंक्लोजर आप फोटो कॉपी करा के लेके आना, इवन उन फॉर्म्स को फिल करना, ताकि आप यहाँ पे आएंगे तो सारी चीजें स्मूथली हो जाएंगी। इसमें आपको सारा अपना एड्रेस वगैरह मतलब सब कुछ मेंशन करना रहेगा, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फोटो कॉपीज लेके आना, सब अपना फोटोज लेके आना, वो इंक्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेके आना है। और जब आप आएंगे तो आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा, उसके बाद डीडी बनवाने के बाद ही आपका मेडिकल वगैरह होगा, तो मेडिकल के लिए ये सारी चीजें रहेंगी। और मतलब आपको इंक्लोजर से रिलेटेड कुछ भी चीजें रहेंगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं आपका हेल्प कर पाऊँ, तो एक और वीडियो बन जाएगी इंक्लोजर किस तरह से फिल करना है और कैसे कैसे आपको मेडिकल करवाना है, तो वो चीजें भी रहेंगी इंपॉर्टेंट। और प्लीज जल्दी से ज्वाइन करें, अब तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, प्लीज जल्दी से ज्वाइन करें और केजीएमयू में और मुझसे मिले, मैं भी आपकी कलीग हूँ यहाँ पे अब।
सो हम लोग मिलते हैं, और प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस का नाम आया है। आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते थे, बट नाउ आ गया है रिजल्ट और सेकंड काउंसलिंग आ गई है। सो गाइस जल्दी से ज्वाइन करें, एंड पिक वरी तो आप टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। सो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आपकी क्वेरी से रिलेटेड, या इंक्लोजर किस तरह से पढ़ना है सारी चीजें मैं उस वीडियो में कवर अप करूंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज को शेयर करना ताकि बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फॉर नाउ बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।